जाफर इस्लाम साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए सांसद जी के भाषण पर क्या बधाई देते हुए महंगाई के मुद्दे पर शुरुआत की जाए, और कम से कम महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे पर उम्मीद मरहम की थी जिस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर कैसे जनता को भरोसा दिलाएंगे आपकी जो सरकार कर रही है वो पूरी तरह से ठीक है? देखिए चित्रा जी, ये संजीदा इशू है और संजीदगी से मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसमें कोई तूतू मैं करने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश और पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और देश में महंगाई कहां पर है। फूड इन्फ्लेशन जो है कम हो रहा है। आप जो ऑल टाइम जो पीक बोलते हैं, इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, वहां से जो है ट्रेंड भी है और जो डायरेक्शन दोनों दिख रहा है। हमारे फोरकास्ट नहीं, सिर्फ सरकार के फोरकास्ट नहीं, आरबीआई के और बाकी जितने भी एजेंसीज है, ग्लोबल एजेंसीज है, सबके फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है इन्फ्लेशन कम हो रहा है। साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए दुनिया में सब जगह तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आज यहाँ तेल के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं और तेल के दाम भी थमे हुए हैं, बल्कि दो बार हमने इस पर कट किया है ताकि ये कंपैशनेट सरकार है, ये जब जरूरत पड़ती है तो पूरा खजाना खोल देती है। आप कह रहे हैं उसी तेल के दाम कम कर दिए गए हैं, हमारे एक सांसद कह रहे हैं खाद्य महंगाई है ही नहीं। जफर साहब, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, आप एक आंकड़ा लेकर बैठी हुई है मैं पूरा और दिखा दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी ने जो महंगाई के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछा, जरा दिखाते हुए रोजमर्रा की जरूरतों की पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की है और तुलना करते हुए दिखाया है कि किस तरह से वृद्धि दर दर्ज की गई है। ये देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं अमृतकाल के जश्न में, मगर भाजपा सरकार ने सदन में कह दिया कि देश में महंगाई है ही नहीं। और महंगाई है ही नहीं, लेकिन आंकड़े सच्चाई बयां कर रहे हैं। एक बार पढ़ते हुए, 2019 में जो पेट्रोल 73 रुपए था वो अब 2022 में 97 रुपए, यानी कि 33 फीसदी की वृद्धि। डीजल 66 रुपए था जो 90 रुपए, 36 फीसदी की वृद्धि के साथ। एलपीजी 494 2019 में था, अब 1053 रुपए, 113 फीसदी की वृद्धि। नमक 18 रुपए, अभी 24 रुपए हो चुका है 33 फीसदी। अरहर दाल, सोयाबीन तेल, ये राहुल गांधी ने आंकड़े जारी किए हैं। इस पर क्या कहेंगे जफर साहब आप? और आप कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं कहीं पर, ऐसा है नहीं। चित्रा जी, आप गलत बयानी से काम ले रही है। प्लीज आप अपने मुंह से कुछ ऐसी बात मत बोलिए जो हमने नहीं बोली है। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हकीकत तो यह, मैंने कहा कि महंगाई एग्जिस्ट करती, महंगाई है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं भी महंगाई नहीं है और हिंदुस्तान में महंगाई है, पूरे दुनिया में महंगाई है। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, ये सप्लाई साइड डिसरप्शन है, बहुत सारी चीजें, हर चीज तो हिंदुस्तान में नहीं होती है ना, जो नहीं होती उसको बाहर से मंगाया जाता है, उसके प्राइसेस अगर बढ़ गए हैं 300%, 200%, वो भी दिखाइए साथ में ना कि भाई दुनिया में आज ये 2 साल पहले ये 10 रुपए मिलता था बाहर मुल्क में, आज वो हमको लाने के लिए उसके लिए 40 रुपए देना पड़ता है। लेकिन देश की सरकार ऐसी है कि 10 रुपए की चीज का शायद 12-13 रुपए बढ़ा हो, इसलिए कि 7% इन्फ्लेशन जो है आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य बहुत कम है। मैं दो चीज बोलना चाहता हूँ चित्रा जी। पहली बात कि मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई बढ़ी है ना, महंगाई तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या महंगाई इतनी बड़ी है कि जैसे बाकी दुनिया में सारी जो अलग अलग कंट्रीज परेशान हो रहे हैं, परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, कम से कम देश उस परेशानी के दौर से नहीं गुजर रहा। और उसके साथ साथ ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी जरूर है, कम से कम स्वीकार किया, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों से तुलना करते हुए आप कह रहे हैं कि महंगाई यहाँ पर फिलहाल स्थिर है। लास्ट बात कहूंगा, जल्दी से लास्ट बात बोलिए सर। ये सिर्फ कहूंगा कि देखिये, हम अपने देश के उस तबके के लिए, समाज के उस तबके के लिए जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने देश का खजाना उनके लिए बराबर खोल के रखते हैं, चाहे उनको राशन की जरूरत हो, चाहे उनके बैंक में पैसे के ट्रांसफर की जरूरत हो, चाहे उनको किसी तरह की, चाहे उनके मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत हो, चाहे उनके घर के सर के ऊपर छत की जरूरत हो, हर तरह की सुविधाएं देने का काम इस सरकार ने किया है, घर तक पानी पहुंचाने का काम किया है, बिजली देने का काम किया। जफर साहब, देश का खजाना भरता भी तो वही आम आदमी है ना, और उसी का आम आदमी के लिए लुटाता भी तो है, सरकार लुटाती भी तो है। ठीक है, अभय दुबे जी सीधे आपके पास आते हुए, जफर साहब ये सवाल का जवाब आप आगे जरूर दीजिएगा कि दुनिया भर के मुल्कों से हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं, कौन से वो मुल्क हैं और वहां के रहन सहन और हिंदुस्तान के रहन सहन, गरीबों के आंकड़े को लेकर भी मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन अभय दुबे जी, निर्मला सीतारमन जब जवाब दे रही थी तो उस समय भी कम से कम वो गंभीरता विपक्ष की दिखाई नहीं दी सदन के भीतर, हालांकि सत्ता पक्ष के ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन उनकी ओर से जो आंकड़ा दिया गया है, उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान 9 से 10 फीसदी तक महंगाई दर पहुंची थी,
इसीलिए कांग्रेस पार्टी को महंगाई जैसे मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। अभय दुबे जी, जवाब दीजिए इस पर आप। चित्रा जी नमस्कार। महंगाई डायन भाजपा से प्यार जताने लगी है, इन्हें महंगाई बफरा की नजर आने लगी है। विश्व भर की महंगाई को बड़ी खूबसूरती से कुरूप बता रहे हैं और अपनी महंगाई को विश्व की सबसे सुंदर महंगाई बता रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में महंगाई का ऐसा महिमा मंडन हमने आज तक नहीं सुना। सुन लीजिएगा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप ही ने जारी की अभी 12 जुलाई को सीपीआई का जो डेटा जारी किया है, ऑयल एंड फैट 9.36%, वेजिटेबल 17.32% इन्फ्लेशन, स्पाइसेस मतलब मसाले 11.4%, आगे भी बताइए, ठीक से जरा सा आंकड़े बताइए, आंकड़े ठीक से बताइए, डायरेक्शन क्या, उस आंकड़े का डायरेक्शन क्या है? 10.39%। देखिए चित्रा जी इनको कहिए बिल्कुल बंद रखे आराम से उसका डायरेक्शन भी बताइए। चित्रा जी देखिए, ये बेशर बात भी हर डिबेट में यही करते हैं, आराम से प्लीज, ऐसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभय दुबे जी, वो कह रही है, देश के वित्त मंत्री का कहना है कि महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपने जमाने की महंगाई को आप झांक लें। क्या आईना देखने के लिए तैयार हैं आप लोग भी अभय दुबे जी? और महंगाई जैसे मुद्दे पर जब गंभीर चर्चा होती है तो कितना हंगामा करते हैं सांसद विपक्ष के। देश के लोग देख लें, गैस का सिलेंडर 400 रुपए था, 1000 रुपए पार हो गया। निर्मला जी, आप बताइए कि इन्फ्लेशन, आप आपने कभी इन्फ्लेशन नहीं देखा क्या?